तो माय डियर फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपके सामने है जेई मेंस 2019 का। ये सवाल आपके सामने ये है कि एफ कोई फंक्शन है -1 to 3 क्लोज इंटरवल में, और फंक्शन का डेफिनेशन दिया हुआ आपके सामने, ठीक है। डिफरेंट इंटरवल्स में ये डेफिनेशन दिए हुए हैं। तो आपको ये पूछ रहा है कि ये फंक्शन -1 to 3 में कितने नंबर ऑफ पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस है, ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग डिटेल में देखेंगे, एंड इस तरह के क्वेश्चन काफी आ रहे हैं आजकल। जेई मेन्स एंड जेई एडवांस में ट्रेंड बन गया इस तरह के क्वेश्चन का, लेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, मॉड फंक्शन, ठीक है। सबसे पहले आप ये चैनल को सब्सक्राइब करके इस सेशन को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, ताकि आगे जो भी कंटेंट आए वो आपको सबसे पहले मिले। एंड जो भी हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, जितने भी प्रीवियस ईयर्स के इंटरेस्टिंग एंड चैलेंजिंग क्वेश्चन है, उन सारे क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो चलिए बच्चों, हम लोग ये क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फंक्शन को ब्रेक करना पड़ेगा। यानी जो फंक्शन का इंटरवल है, उस इंटरवल में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एंड मॉड फंक्शन को ब्रेक करते हुए उसको सबसे पहले उसके सब पार्ट्स में, ठीक है, उसको डिफाइन करेंगे। उसके बाद आपको आरएचएल और एलएचएल निकालते हुए फंक्शन का डिसकंटिन्यूटी कंटिन्यूटी चेक करेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसको ओपन करते हैं फंक्शन को, है ना, डिफरेंट इंटरवल्स में। तो आप अगर फंक्शन को लिखोगे एफ एक्स इक्वल टू, आप इसको देखो, ये -1 क्लोज इंटरवल to 1 ओपन इंटरवल। तो पहला पार्ट में किसके लिए ओपन करेंगे, -1 क्लोज इंटरवल less than 0, यानी -1 से 0 के बीच। तो -1 से 0 के बीच में तो मॉड एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा आपको, -x, और ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू -1, यानी -x -1, ये ओपन हो गया। अगला इंटरवल क्लोज इंटरवल 0 to less than 1, 0 से 1 के बीच में। तो जब 0 से 1 के बीच में करेंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का वैल्यू 0, ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, +0, एंड मॉड एक्स का वैल्यू एक्स, यानी x+0। इसी तरह से आप अगला इंटरवल आपको दिया हुआ है 1 से 2 के बीच में, है ना। तो 1 से 2 के बीच में इंक्लूडिंग 1, तो यहां पर मैं 1 से 2 के बीच में यानी इंक्लूडिंग 1, तो मॉड एक्स तो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, x+x। फिर अगला इंटरवल आपको है क्लोज इंटरवल 2 to ओपन इंटरवल 3, 2 से 3 के बीच में। 2 से 3 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, -10, इसका वैल्यू हो जाएगा 2। इसको लिखोगे एक्स एक्स प्लस 2, तो 2 से 3 के बीच में, है ना। तो ये जो फंक्शन है एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, इसको लिखूंगा एक्स प्लस टू, और जब एक्स का वैल्यू 3 हो जाएगा, अलग से सेपरेटली एक्स का वैल्यू 3 हो जाएगा, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स कितना हो जाएगा, 3 3, और ये 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 6 3 प्लस 3। तो ये आपका फंक्शन का ब्रेक हुआ, यानी फंक्शन 0 पर ब्रेक हुआ, 1 पर ब्रेक हुआ, 2 पर ब्रेक हुआ, 3 पर ब्रेक हुआ, इन सारे 4 पॉइंट पर ब्रेक हुआ। तो इन अब आपको क्या करना है कि ये फंक्शन का जो ब्रेकिंग हुआ है माय डियर स्टूडेंट्स, वो आपको 0 पर हुआ है, 1 पर हुआ है, 2 पर हुआ है, एंड 3 पर हुआ है। तो आपको पता है कि जब कोई कंटिन्यूअस इंटरवल में फंक्शन जितने पॉइंट्स पर ब्रेक होता है, उतने पॉइंट्स पर हम लोग उसका डिसकंटिन्यूटी या डिफरेंशिएबिलिटी को चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग किस पर चेक करेंगे, 0 पर, एट x=0। अब देखिए, 0 के लेफ्ट में ये वाला डेफिनेशन है, ठीक है। तो एट एक्स इक्वल टू 0 एलएचएल अगर करोगे तो 0 -1 कितना आ जाएगा, -1। तो 0 पर आरएचएल के लिए लिखोगे, आरएचएल को लिखोगे आप 0+, यानी 0, ये वाला डेफिनेशन, क्योंकि ये 0 > 0 के लिए, तो 0+0 कितना हो गया, 0, यानी एलएचएल -1, आरएचएल 0। तो ये फंक्शन क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 1, एट एक्स इक्वल टू 1। 1 पर अगर हम लोग एलएचएल निकालेंगे, ठीक है, 1 पर एलएचएल यानी 1 से छोटा, 1 से छोटा, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपको x+0 वाला है, तो ये हो जाएगा 1+0 = 1। आरएचएल कितना होगा, आरएचएल के लिए ये वाला डेफिनेशन, तो ये 1+1 कितना हो जाएगा, 2, 1+1 = 2। तो यहाँ पर एलएचएल 1, आरएचएल भी कितना है, 2, तो फंक्शन क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस। यानी आपको कंटिन्यूटी के लिए एलएचएल और आरएचएल को तो बराबर करना ही पड़ेगा, लेकिन उसके अलावा भी आपको फंक्शन का जो उस पॉइंट पर वैल्यू है उसको भी चेक करना पड़ेगा। अगर वो भी बराबर होगा,
एलएचएल इक्वल टू आरएचएल इक्वल टू एग्जैक्ट वैल्यू एट दैट पॉइंट, तो उस पॉइंट पर फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो जब एलएचएल आरएचएल बराबर हो ही नहीं रहा तो हम लोग एग्जैक्ट वैल्यू निकाल नहीं रहे हैं। इसी तरह से अगला हम लोग टू पर निकालते हैं, एट एक्स इक्वल टू टू, ठीक है, टू पर एलएचएल यानी टू से छोटा ये वाला डेफिनेशन एक्स प्लस एक्स, तो ये हो जाएगा टू प्लस टू इक्वल टू फोर, और टू पर आरएचएल, टू पर आरएचएल के लिए ये वाला डेफिनेशन, तो टू प्लस टू ये भी कितना हो जाएगा फोर, और एग्जैक्ट वैल्यू अगर एफ ऑफ टू लिखोगे, अब देखो एफ ऑफ टू एग्जैक्ट वैल्यू इक्वल टू वाला पार्ट, तो ये वाला डेफिनेशन आएगा एक्स प्लस टू यानी टू प्लस टू इक्वल टू फोर। तो एलएचएल आरएचएल एग्जैक्ट वैल्यू इक्वल है टू पर, यानी टू पर फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। यानी जीरो और वन पर डिसकंटिन्यूअस हो गया लेकिन टू पर कंटिन्यूअस हो गया, ठीक है। अब आपके पास में एक और पॉइंट आता है एक्स इक्वल टू थ्री, तो एक्स इक्वल टू थ्री पर अगर आप एलएचएल निकालोगे थ्री लेस देन थ्री ये वाला पार्ट, तो ये बनेगा एक्स प्लस टू, तो एक्स प्लस टू यानी थ्री प्लस टू इक्वल टू कितना हो गया फाइव। इसी तरह से आरएचएल अगर आप थ्री पर निकालोगे, थ्री पर आरएचएल निकालोगे तो एग्जैक्टली देखो इक्वल टू थ्री, और इक्वल टू थ्री है, अब थ्री पर आरएचएल निकलेगा नहीं क्योंकि थ्री के राइट में ये वैल्यू जो है डिफाइन नहीं है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर आरएचएल तो यहाँ पर डिफाइन नहीं हो रहा है तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। जब आपका एंड पॉइंट का बाउंड्री होता है तो उस एंड पॉइंट पर बाउंड्री पर या तो एलएचएल निकलता है या तो आरएचएल निकलता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया, लेकिन अगर एफ ऑफ हम लोग थ्री निकाले, एफ ऑफ थ्री कितना है सिक्स, तो सिक्स और फाइव इक्वल नहीं है, तो यानी इस पॉइंट पर भी फंक्शन क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस। यानी आप देखो कि थ्री पर एलएचएल फाइव निकला और थ्री पर जो एग्जैक्ट वैल्यू है दैट इज सिक्स है। थ्री पर आरएचएल तो डिफाइन होगा नहीं क्योंकि थ्री के जो थ्री का राइट वाला बाउंड्री है उस पर डिफाइन नहीं है। तो इस फंक्शन में आपको क्या मिला कि आपको फंक्शन थ्री पर डिसकंटिन्यूअस, जीरो पर डिसकंटिन्यूअस एंड वन पर डिसकंटिन्यूअस, यानी वन जीरो थ्री पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है एंड एट एक्स इक्वल टू टू फंक्शन इज कंटिन्यूअस। तो ओवरऑल टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स इन द इंटरवल माइनस वन टू थ्री वेयर फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस इज थ्री, यानी थ्री पॉइंट्स पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। तो देखिए ये बहुत बेसिक सवाल था, आपने फंक्शन को तोड़ दिया। फंक्शन को तोड़ते हुए आपने क्या किया कि एलएचएल आरएचएल को कैलकुलेट किया, और अगर एलएचएल आरएचएल बराबर हो रहा है तो एग्जैक्ट वैल्यू भी चेक कीजिए, और अगर एलएचएल आरएचएल बराबर हो ही नहीं रहा है तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो गया, एग्जैक्ट वैल्यू आपको चेक करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। और जहां पर में आपका एंड पॉइंट्स होता है जो लेफ्ट वाला बाउंड्री और राइट वाला बाउंड्री फंक्शन का जो इंटरवल है उसका, उस पॉइंट पर फंक्शन में आप या तो एलएचएल चेक करते हो या तो आरएचएल चेक करते हो। इस तरह से इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया, एंड देखिए यहाँ पर बहुत ही सिंपल एक्सप्लेनेशन है, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है, खाली आपको सिंपल सिंपल एलएचएल आरएचएल चेक करना है, और इसमें मेन जो टास्क था वो फंक्शन को ब्रेक करना। अगर फंक्शन को ब्रेक करना आप सीख गए तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो चलिए बच्चों हम लोग ये सेशन को यहीं पर एंड करते हैं, एंड आगे भी इस तरह से हम लोग क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करते रहेंगे। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो आप ये सेशन को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, एंड ये चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू माई डियर फ्रेंड्स।